see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. हम बहुत दिनों बाद फिर से आए हैं नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग वीडियो में इस बार हम आए हैं बड़ाकर नदी नहाने के लिए, और ये बड़ाकर हम लोग का करमदाहा में पड़ता है। तीन जगह हम लोग का सामने पड़ता है, एक बड़ा करमदाहा में, दूसरा चिरकुंडा में, और तीसरा बड़ाकर जो गिरिडीह तरफ का रूट में है वो वाला। तो फिलहाल हम लोग करमदाहा आए हैं, यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। तो मेरा वीडियो भी कुछ दिन से नहीं आ रहा है, लगभग 10-12 दिन हो गया है वीडियो हम नहीं डाले हैं। एक वीडियो डाले भी थे तो ड्राफ्ट वीडियो है, वाला दुर्गा पूजा का था। तो क्यों नहीं डाले, किस लिए इतना लेट हुआ, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आए हैं नहाने के लिए बड़ाकर नदी में। तो यहाँ का जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं, और इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। यहाँ पे थोड़ा सा दूर में ही हम लोग रुके थे, तो दूर से थोड़ा सा नज़ारा एक दिखा मुझे जो बहुत पसंद आया, तो सोचे कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दे। तो आप लोग देखिए वो नज़ारा यही है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी कितना स्पीड में बह रहा है, बहुत दूर से आ रहा है पानी और बहुत ही स्पीड में बह रहा है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ से भी देखिए कि पानी कितना स्पीड में बह रहा है। हम लोग को लगा था कि यहाँ पर पानी ही नहीं होगा, बट दो तीन दिन पहले यहाँ पे पानी खूब बहुत बारिश हुआ था, तो उसी के कारण से यहाँ पे भारी पानी बहुत है, देख सकते हो। तो माथा में गमछी लेने का भी मेरा कुछ रीज़न है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जिसके कारण से मैं इतना दिन से वीडियो नहीं डाला। तो चलते हैं गाइस अब मम्मी लोग के पास, और देखते हैं कि क्या क्या वीडियो ले पाते हैं और क्या मतलब दिखा पाते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए नेक्स्ट। और तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जो चैनल था आदमी प्रजापति ब्लॉग उसमें 3000 का लगभग मैं सब्सक्राइबर पार हो चुका है, और मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, मतलब आप लोगों का शुक्रगुजार नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अभी आया हुआ हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सब्सक्राइबर 3000 कम्प्लीट करने के लिए। इसी तरह से आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं आगे और तरक्की करूं और वीडियो बनाता रहूं। अब देखते रहिए वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग नहाना धोना पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और बाबू को देख लीजिए पेंट पहनाए थे, तो यहाँ पर मस्ती करते करते गिर गया है। अब हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग का मेन मकसद था नहाना ही किसी अच्छे जगह, बड़ाकर हो या गंगा नदी हो या दामोदर नदी हो, तो हम लोग तो वो नहा लिए। तो इतना बोलने के बाद तो आप लोग आधा समझ ही गए होंगे कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं, और जो नहीं समझे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
तो नहाने धोने के बाद फाइनली हम लोग एक होटल पहुंचते हैं और वहां पर खाने का ऑर्डर देते हैं। तो हम कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि कचौड़ी वचौड़ी हमको उतना पसंद नहीं है। बाकी मम्मी सब और पूजा पापा ये लोग खाते हैं और फिर खाने के बाद यहां से हम लोग आराम से निकलते हैं घर की ओर। और जैसे ही घर तरफ जाते हैं तो हमको छोला मुड़ी दिखता है और वहां पर रुक के हम छोला मुड़ी खाने लगते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा पूरा? अगर देखा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में बस इतना ही गाइस, जो भी था मैं वीडियो में सब कुछ दिखा दिया हूँ। कहीं कहीं थोड़ा बहुत छूटा है तो कहीं कहीं कुछ दिक्कतों की वजह से मैं ले नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, किस लिए हुआ, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।